हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल लर्न विद दीतिमन में। केंद्रीय विद्यालय शिक्षक भर्ती बाल वाटिका 3 के लिए वैकेंसी आई है। कहाँ की है ये वैकेंसी, कैसे अप्लाई करना है, क्या एज मांगी गई है, तो एज मैंने आपको बता रखी है कि 45 साल तक यदि आपकी है तो आप अप्लाई कर सकते हो। क्वालिफिकेशन की चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे। बिना परीक्षा यहाँ आप टीचर बन सकते हो, किसी प्रकार का आपका कोई भी टेस्ट नहीं लिया जाएगा, ये बहुत अच्छी बात है। आप डायरेक्ट जो है यहाँ पर अप्लाई करेंगे, आपका छोटा सा इंटरव्यू होगा और इंटरव्यू में भी ज्यादा कुछ खास नहीं पूछा जाने वाला। आपकी एजुकेशन से रिलेटेड जो है वो चीजें पूछी जाएंगी और छोटे बच्चों को आप किस तरीके से जो है टैकल करोगे, बस यही नाम मात्र के लिए पूछा जाएगा। तो देखिए, ये जो नोटिस जारी हुआ है ये 5 जुलाई को जारी हुआ है। जैसे ही मैं वीडियो बना देती हूँ तो आप लोग उसी दिन जो है उसको बहुत अच्छे तरीके से देखा करें। तो यदि आप पहली बार जो है वो चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन को प्रेस जरूर कर लें ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। क्योंकि अगर आपको समय पर नहीं मिला और डेट जो है वो निकल गई तो आप लोगों को परेशानी हो सकती है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि YouTube जो है वो नोटिफिकेशन लेट देता है तो डेट जो है वो निकलने का डर रहता है। ठीक है, जैसे कि 5 जुलाई को ये नोटिस जारी हुआ है लेकिन आज जो है वो आ पाया है और 15 जुलाई जो है यहाँ पर साक्षात्कार के लिए आप लोगों को बुलाया जाएगा, इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। तो कहाँ से जो है ये वैकेंसी रिलीज हुई है, तो यहाँ देख सकते हो क्रमांक 2 JLA बरेली कैंट से ये वैकेंसी आउट हुई है केंद्रीय विद्यालय की। बहुत अच्छी जो है ये पोस्ट है जहाँ पर आपको लगाया जाएगा और उसके बाद धीरे धीरे परमानेंट यहां हो जाएंगे, क्योंकि अभी ही जो है स्कूल खुले हैं तो कॉन्ट्रैक्ट बेस पर यहां पर लगाया जा रहा है, उसके बाद ये परमानेंट हो जाएंगे। वॉक इन इंटरव्यू के लिए आपको कब जाना है, तो 5/7/2023 को आपको स्कूल में पहुंच जाना है। ठीक है, स्कूल का एड्रेस मैंने आपको बता दिया, क्रमांक 2 JLA बरेली कैंट। ठीक है, तो इंटरव्यू के लिए जो है वो आपके लिए जो है एक शिक्षकों का पैनल जो है वो तैयार करने के लिए साक्षात्कार का आयोजन 15 जुलाई को किया जाएगा। ठीक है, तो आप जो है वो साथ में क्या लेके जाएंगे, प्रमाण पत्रों की जो है मूल प्रति लेके जानी है आपको, आवेदन पत्र, 100 प्रमाणित छाया प्रतियां और एक फोटो सहित जो है वो उपस्थित होना है। ठीक है, तो सारी जो नोटिफिकेशन होता है आप उसको ढंग से पढ़ा करें, क्योंकि कई बार जो है लिखा होता है 2 फोटो लेके जानी है, कई जगह लिखा होता है 1 फोटो लेके जानी है। ठीक है, तो आप अच्छे से यहाँ जो है वो पढ़ लें। कई बार क्या होता है आप एक ही फोटो लेके गए और वहां पर हो सकता है 2 फोटो की डिमांड हो गई तो वहां पर दिक्कत हो जाएगी। तो यहाँ पर जो है वो आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं, साथ में आवेदन पत्र मैं भी आपको दिखाने वाली हूँ, स्व प्रमाणित तो छाया प्रतियां, जितने भी आपकी मूल प्रति हैं, मार्कशीटें हैं, डॉक्यूमेंट हैं, जितने भी उनकी जो है वो फोटो कॉपी और एक फोटो आपको साथ में रखनी है। आपको 8 बजे से 10 बजे तक जो है वो रजिस्ट्रेशन करा लेना है स्कूल में जाकर, क्योंकि उसके बाद जो है वो आपका आवेदन फॉर्म जो है स्वीकार नहीं किया जाएगा। क्वालिफिकेशन जो है वो आप देख लें यहां पर, वैसे मैं आपको बता चुकी हूं। NCTE द्वारा निर्धारित बाल वाटिका शिक्षकों के लिए योग्यता क्या रहेंगी, तो यहां सीनियर सेकेंडरी क्लास रिकॉग्नाइज बोर्ड विद 50% मार्क्स, 50% अंकों के साथ जो है वो आपकी 12वीं, डिप्लोमा इन नर्सरी टीचर एजुकेशन, प्री स्कूल एजुकेशन, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन प्रोग्राम जिसे DECET कहा जाता है, जो कि 2 साल से कम नहीं होना चाहिए, और बीएड नर्सरी यहां पर मांगा गया है। ठीक है, और ये देखिए अब स्क्रीनशॉट जो है वो फटाफट से ले लें, क्योंकि यहां पर जो है वो आपको समय ज्यादा नहीं मिल रहा है, 15 जुलाई जो है डेट है, तो आप स्कूल में जाकर जो है रजिस्ट्रेशन जरूर करा लें यदि आप इंटरेस्टेड हैं। बहुत अच्छी जो है यहाँ जॉब रहेगी आप लोगों की, 21,250 तक जो है वो आपको यहाँ पर सैलरी मिलने वाली है। इसके लिए और भी डिटेल अगर आप जानना चाहते हैं तो योग्यता पात्रता संबंधी नियम की विस्तृत जानकारी जो है इसी विद्यालय की जो है वेबसाइट पर देखें। ये है आपका एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म जो है इसको आप क्या करेंगे, डाउनलोड कर लेंगे, और डाउनलोड करने के बाद जो है इसको फिल करके यहाँ पर जो है वो लिखा गया है, अगर आपने सीटेट क्वालिफाई किया है तो आप यस करें और नहीं किया है तो नो कर दें। ठीक है, तो इतना ज्यादा जो है यहाँ पर क्वालिफिकेशन के में जो है सीटेट रिक्वायर्ड कंपल्सरी है ऐसा नहीं मेंशन है। ठीक है, तो नहीं भी किया हुआ है आपने तो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर पाओगे। तो सारा जो है वो कंप्लीट आपको भर लेना है और उसके बाद आप इसको स्कूल में लेकर जाएंगे अपने सभी डॉक्यूमेंट के साथ, एक फोटो के साथ और जितने भी डॉक्यूमेंट हैं उनकी फोटोकॉपी के साथ। आपको समय पर पहुंच जाना है, 8 बजे से 10 बजे तक आपका रजिस्ट्रेशन जो है विद्यालय में हो जाना चाहिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।